फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि कोर्स सीट का जो 2015 में जो क्वेश्चन आया है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक फैक्ट्रीज है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी 12,000 यूनिट्स पर एनम है। ठीक है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल 3 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 2 पर यूनिट। ये देखो क्या है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1200 पर मंथ। मतलब आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 1200 पर मंथ होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओवरहेड्स आपको दे रखा है 16,000 पर एनम, ये आपका फिक्स है। वेरिएबल कितना है, 2 पर यूनिट, और सेमी वेरिएबल, ये एक नया पॉइंट है, ये हम कैसे निकालेंगे, 6,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी तक आपको कितना लेना है, 6,000 पर एनम, एंड एन एडिशनल ऑफ रुपीज 2,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। अगर आपकी कैपेसिटी 20% और उसका पार्ट से इंक्रीज होती है तो हर एक इंक्रीज पर आपको कितना देना है, हर एक 20% इंक्रीज पर 2,000 उसमें ऐड कर देना है एडिशनल। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दो चीज हमें इसके अंदर देखनी है, एक तो ये वाला पॉइंट्स और दूसरा ये सेमी वेरिएबल की कैलकुलेशन। इन द करंट ईयर द फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। आपको बोला गया है कि जो फर्स्ट 3 मंथ है वो फैक्ट्री है वो कितनी परसेंट कैपेसिटी पर वर्क करती है, 50% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। जो बाकी के 9 मंथ्स बचे, 12 मंथ्स होते हैं ना पूरे साल में, होल ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें से बोल रहा है कि जो 3 मंथ्स है फर्स्ट 3 मंथ उसमें कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम करते हैं, 50% पे। जो बाकी के 9 मंथ्स है उन पर कितने कैपेसिटी पर है, 80% कैपेसिटी पर जो आपकी फैक्ट्री है वो वर्क कर रही है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज रुपीज 20 पर यूनिट, यानी कि जो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 20 पर यूनिट दिया हुआ है। वॉट should be the price in the remaining 9 months to earn a total profit of rupees 1,23,500 for the whole year। आपको ये पूरे साल का 12 मंथ्स का प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है, 1,23,500 पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको ये जो 9 मंथ्स है इसके लिए क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकालना है, क्योंकि यहाँ के लिए तो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या बनानी है, सिंपल सी कोर्सशीट। ठीक है, कोर्सशीट बनाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर। अब आपको क्वेश्चन में दो पार्ट में इसमें डिवाइड करा हुआ है, क्या डिवाइड, फर्स्ट क्या 3 मंथ्स। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स का अमाउंट हम यहां लिखेंगे, उसके बाद में जो फर्दर, ठीक है, आगे के 9 मंथ्स हैं उनका अमाउंट हमारा यहां पर आएगा। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए अमाउंट हम यहां पे लिखेंगे, फर्दर 9 मंथ्स के लिए अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे। अब आता है हमारा आउटपुट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आउटपुट, जो आपको टोटल आउटपुट आपके पास में कितना दे रखा है पूरे साल का, 12,000 पर एनम, के पूरे साल का आपके पास में यूनिट दे रखी है 12,000 की। अब यहाँ पे हमें 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 3/12, पर जो आपको यहाँ पर बोला है उसने कि जो फर्स्ट 3 मंथ है वो कितने परसेंट कैपेसिटी पे करता है, 50% कैपेसिटी पर फैक्ट्री वर्क करती है। तो यानी कि यहाँ पर हम कितना परसेंट लेंगे इसका, 50%। ठीक है, तो 50% ही आएगा ये, 12,000 मल्टीप्लाई 3/12 इंटू 50% करते हैं हम, तो आता है हमारे पास में 1500 यूनिट्स। ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई 9/12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितने परसेंट कैपेसिटी है, 80% कैपेसिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 80% से, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7,200 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास में आउटपुट। अब तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना,
सबसे पहले आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मटेरियल कितना एट द रेट, यहां पर लिखो देखो 3 पर यूनिट, ठीक है 3 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पर यूनिट, 1500 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 4500, यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 21600। इसमें प्लस कर देते हैं हम क्या, लेबर, लेबर के लिए उसने बोला है कितना एट द रेट 2 पर यूनिट बट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1200 पर मंथ। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर हमें बोला है 2 पर यूनिट सब्जेक्ट टू क्या बोला है, सब्जेक्ट टू कितना पर यूनिट 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ। अब जो फर्स्ट 3 मंथ है, फर्स्ट 3 मंथ के लिए 1200 पर मंथ करेंगे, इतना मिनिमम रखना है, ठीक है ये क्या बोल रहा है मिनिमम, ठीक है तो पहले 3 मंथ मल्टीप्लाई 1200 करेंगे, पर मंथ है ना ये, तो कितना आएगा 3600, ठीक है टोटल कितना आया 3600, इतना मिनिमम होना चाहिए। अब हमें यूनिट्स कितनी है 1500, तो 1500 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना आता है 3000, पर मिनिमम हमें कितना लिखना है 3600, ठीक है ना। कैसे आया ये 1200 मल्टीप्लाई हमने कितना करा 3 से, 3 मंथ्स के लिए है ना, तो इतना मिनिमम हमने लिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 7200 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई 2 पर यूनिट कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 14400, ठीक है ये चीज बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी। अब आता है यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8100 और यहाँ पर प्लस करने पर आया आपके पास में 36000 का। इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, इसमें हम क्या प्लस कर देते हैं, हमारे पास में क्या आ जाता है, हम इसमें प्लस कर देंगे क्या ओवरहेड्स दिए हुए हैं सिंपल से क्वेश्चन के अंदर, एक तो हमें फिक्स दिया हुआ है, एक हमें वेरिएबल दिया हुआ है और एक हमें क्या दिया हुआ है सेमी वेरिएबल, ठीक है ये हम देख लेते हैं कैसे हमें निकालना है। फिक्स के लिए उसने क्या बोला है यहाँ पे 16000 पर एनम, पूरे साल का 16000, तो यहाँ पे आपका 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 मंथ का निकालेंगे तो कितना आएगा 16000 आपका मल्टीप्लाई 3/12 करो, इसको 16000 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे तो ये आपके आ गया यहाँ पर 4000, ठीक है बैलेंस आपके पास में 9 मंथ का आ गया यहाँ पे 12000। वेरिएबल के लिए बोलता है 2 पर यूनिट, यानी कि एट द रेट 2 पर यूनिट, 2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे यहाँ पर 1500 से, ये हो जाएगा 3000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 14400 का सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल के लिए ये क्या बोलते हैं यहाँ पर के 6000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 50% कैपेसिटी तक आपका कितना है 6000 पर एनम है, बाकी का बोलता है एडिशनल रुपीज 2000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी। नेक्स्ट जो आपका 9 मंथ्स है उसमें कैपेसिटी कितनी है 20%, ठीक है तो ये 50 से आपके कितने पर कितनी हो गई यहाँ पर 80% हुई, तो 80% में तो एवरी कितना परसेंट, एवरी 20% और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 20% या फिर उसका कुछ भी पार्ट वो इंक्रीज होता है तो उसमें 2000 आपका एडिशन हो जाएगा। अब 50 में 20 ऐड करेंगे तो 70 हुआ, 70 के लिए कितना प्लस कर देंगे हम 2000 प्लस में, फिर आपका कितना आ रहा है यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है और 10 और इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना आ रहा है 50 से 80 इंक्रीज हो रहा है तो आपका 2000 और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो टोटल आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा 10000 पर एनम, ये 80% कैपेसिटी के लिए आया, ठीक है। अब यानी कि जब हम यहाँ पे करेंगे तो आपका जो हमारा 50% कैपेसिटी है, 50% कैपेसिटी के लिए कितना है 6000 पर एनम मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे, 6000 तो पूरे साल का है ना, तो 3/12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 10000 जो हमने निकाला अभी वो कितने कितना पूरे साल के लिए है, तो 9 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा 12 मंथ्स के लिए है ना ये, तो 10000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7500, ठीक है ये हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में ये टोटल कितना आ जाएगी आपके पास में, टोटल ये हो गई कॉस्ट, ठीक है ये आ गया हमारे पास में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 16600 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में इधर जो आया हमारा, इधर प्लस करने पर आया 69900, ठीक है ये हो गया।
अब क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ये पूरा निकल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चीज करते हैं, आपको ये बोला है जो आपके शुरू के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें जो सेलिंग प्राइस है वो 20 पर यूनिट है और पूरे साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,23,500। हमने निकाल दिया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हम यहाँ लिख देते हैं पहले पूरे 12 मंथ की, ठीक है। टोटल कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स कितनी आ जाएगी, 16,600 प्लस 69,900 इजिकल टू आपके पास में ये हो जाएगा 86,500। अब टोटल कॉस्ट में हम क्या प्लस करते हैं, प्रॉफिट, तो हमें क्या निकलता है, सेल वैल्यू आ जाती है। यही होता है, प्रॉफिट आपको गिवन है पूरे साल का, कितना गिवन है, 1,23,500 का, ये हम प्लस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2,10,000 का, ठीक है। ये हमारी टोटल सेल वैल्यू आई। अब यहां पर हमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 3 मंथ के लिए जो सेल प्राइस है वो कितना है, 20 पर यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास में फर्स्ट जो 3 मंथ है उसके लिए जो यूनिट्स है वो कितनी है, 1,500 यूनिट्स है। तो यानी कि सेल्स हमारे पास में कितनी आ जाएगी, हम सेल्स निकालेंगे, सेल्स वैल्यू फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए कितनी आ जाएगी सेल्स वैल्यू, 1,500 मल्टीप्लाई 20 इजिकल टू, आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30,000, ठीक है। यानी कि आपकी जो बैलेंस सेल्स हुई, बैलेंस सेल कितनी आ गई, बैलेंस आपके पास में सेल आ जाएगी 2,10,000 माइनस में 30,000 हम कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 1,80,000 का, ठीक है। 1,80,000 आ गया। अब ये हमारे कितने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। सेल्स बैलेंस सेल्स फोर, ये आई हमारे कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, इतनी आ गई। तो इसकी यूनिट्स हम निकालेंगे तो सेल प्राइस पर यूनिट हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय में कितनी यूनिट्स थी वहां पे, 7,200 यूनिट से कर देंगे तो आएगा कितना, 25 पर यूनिट। 7,200 पता नहीं यूनिट्स कहाँ से आई, घेरी यहाँ पे यूनिट्स थी हमारे पास में 7,200 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 25 पर यूनिट, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट लेकिन इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है तो फिर बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको एक बार दो बार अपने आप से खुद से रिटर्न करना और जितना प्रैक्टिस हो सके हाथ से करिए, खुद से राइट डाउन कर करके क्वेश्चन करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।